दोस्तों, हमारे चैनल इटर्नल एक्सटेसी में एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। इस बार हम आपको एक ऐसी कथा सुनाने जा रहे हैं जिसके विषय में बहुत ही कम लोगों को पता होगा, लेकिन कहानी में आगे बढ़ने से पहले हमारा आपसे एक विनम्र निवेदन है, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएँ ताकि आपको ऐसी ही दिलचस्प वीडियो की नोटिफिकेशंस मिलती रहे। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो लाइक बटन दबाना ना भूलें। तो चलिए बढ़ते हैं आज के विषय की तरफ। दोस्तों, इस कथा के द्वारा आज हम आपको बताएंगे कि समुद्र मंथन के वक्त भगवान शिव के अलावा संसार में ऐसी कौन सी शक्ति उपस्थित थी जिसने हलाहल जैसे विनाशकारी विष का सेवन किया था। जैसा कि पुराणों में उल्लेख है, जब देवता और असुर वासुकी को मंदार पर्वत के चारों ओर एक रस्सी के रूप में उपयोग कर समुद्र मंथन कर रहे थे तो उससे कई चीजें निकली थी। उनमें से एक सबसे घातक जहर हलाहल था। इसने देवताओं और राक्षसों दोनों को भयभीत कर दिया और वे भ्रमित थे कि इस घातक जहर का सेवन कौन करेगा। विष इतना शक्तिशाली था कि यह पूरी सृष्टि को नष्ट करने की क्षमता रखता था। तब हर कोई अपनी सुरक्षा हेतु भगवान शिव के पास गया। तीनों लोकों के सभी प्राणियों को बचाने के लिए भगवान शिव को इस विष का सेवन करना पड़ा। भगवान शिव के अलावा पानी में मौजूद कुछ सांपों ने भी इस जहर का सेवन किया। वासुकी उन सांपों में एक थे जिन्होंने हलाहल का सेवन किया था, क्योंकि उन्हें मंदार पर्वत से मंथन करने के लिए इस्तेमाल की जाने वाली रस्सी के रूप में बांधा गया था। इस घातक विष का सेवन करने के बाद भी वासुकी ने शिकायत नहीं की। यह देखकर भगवान शिव प्रसन्न हुए और इस तरह उन्होंने वासुकी को अपने गले में धारण करने का फैसला किया। ऐसा माना जाता है कि भगवान शिव के गले में सांप जन्म मृत्यु और पुनर्जन्म के अंतहीन चक्र का प्रतिनिधित्व करता है। सांप अपनी पुरानी त्वचा को नियमित रूप से त्याग कर नई त्वचा को धारण करता है। यह प्रतीकात्मक रूप से जन्म मृत्यु और पुनर्जन्म के चक्र का प्रतिनिधित्व करता है। कुछ लोगों का मानना है कि भगवान शिव के गले में सांप के तीन चक्र होते हैं, जहाँ प्रत्येक चक्र भूत, वर्तमान और भविष्य का प्रतिनिधित्व करता है। यह इंगित करता है कि भगवान शिव समय से परे हैं और इसे नियंत्रित करते हैं, इसलिए भगवान शिव को महाकाल के रूप में भी जाना जाता है। वह जो काल से ऊपर और परे है उसे ही महाकाल कहा जाता है। इसके अलावा सांप को उनके दाहिने तरफ इशारा करते हुए चित्रित किया गया है। यह भगवान शिव के तर्क और न्याय के शाश्वत नियमों का प्रतिनिधित्व करता है जो ब्रह्मांड में प्राकृतिक व्यवस्था बनाए रखते हैं। कुछ लोगों का यह भी मानना है कि प्रतीकात्मक रूप से सांप अहंकार का प्रतिनिधित्व करता है, लेकिन जब इसे नियंत्रित किया जाता है तो इसे एक आभूषण के रूप में भी पहना जा सकता है, जो भगवान शिव करते हैं। प्रतीकात्मक रूप से सांप सभी जुनून और इच्छाओं के लिए खड़े होते हैं। अपने गले में नाग को धारण कर शिव अपने सभी भक्तों को यह संदेश देते हैं कि उन्होंने अपनी सभी इच्छाओं पर विजय प्राप्त कर ली है, साथ ही उनका प्रकृति या माया पर पूर्ण नियंत्रण है। दोस्तों, आपको हमारा वीडियो कैसा लगा ये कमेंट सेक्शन में बताना ना भूलें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब का बटन जरूर दबाएं। ऐसी और वीडियोस के लिए हमारे चैनल के साथ बने रहें। हम जल्द ही एक और दिलचस्प विषय के साथ वापस आएंगे, तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। जल्द ही फिर मिलेंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।